नमस्कार, स्वागत है आपका खासखबर.com पर और मैं हूं पलक गुप्ता। आइए डालते हैं एक नजर देश की खास खबरों पर। सुपुत्र ए खाक हुआ मुख्तार अंसारी, कब्रिस्तान के बाहर भारी भीड़, बेटे अमर ने आखिरी बार उसकी मूछों पर ताव दिया। कर्पूरी ठाकुर, नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और एमएस स्वामीनाथन को मिला भारत रत्न। शराब घोटाले मामले में अब ईडी ने दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत को भेजा समन। भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में 23 पाकिस्तानियों को बचाया। ईरानी जहाज को सोमालिया के समुद्री लुटेरों से रेस्क्यू किया। 12 घंटे चला ऑपरेशन। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर उपराष्ट्रपति बोले, न्यायपालिका की ताकत बरकरार। कहा, जिन्हें लगा वे कानून से ऊपर हैं, अब कानून उनके पीछे है। कांग्रेस को आईटी का 1700 करोड़ का नोटिस। राहुल बोले, सरकार बदली तो लोकतंत्र का चीरहरण करने वालों पर कार्रवाई होगी, ये मेरी गारंटी। आइए अब नजर डालते हैं राज्य की प्रमुख खबरों पर। मोदी की सभा से पहले कल शाह का रोड शो। पीएम 2 अप्रैल को कोटपुतली में होंगे। गृह मंत्री कल जयपुर मिलेंगे मीटिंग। सीकर भी जाएंगे। चूरू में सोयाबीन की आड़ में तस्करी किया जा रहा 653 किलो डोडा पोस्ट छिलका किया जब्त। भरतपुर में मां की बेइज्जती का बदला लेने के लिए चाचा की कर दी हत्या। पेट में घुसाया सरिया। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में है माहौल, जनता इस बार बदलाव के मूड में है। आइए अब देखते हैं बॉलीवुड जगत की खास खबरें। शिल्पा शेट्टी ने अपने परिवार के साथ की राजस्थान के रणथंभौर की सैर। मडगांव एक्सप्रेस 7 दिन में 15 करोड़ तक पहुंची फिल्म। आइए अब नजर डालते हैं खेल जगत की खास खबरों पर। आईपीएल 2024 नरेन के ऑलराउंड प्रदर्शन के दम पर केकेआर ने आरसीबी को घर में धूल चटाई। विराट और गंभीर बीच मैच में गले मिले, दो जीवनदान के बाद भी कैच आउट हुए मैक्सवेल। श्रेयस ने लगाया विनिंग सिक्स। आइए अब देखते हैं कारोबार जगत की खास खबरें। विदेशी मुद्रा भंडार ने लगातार दूसरे सप्ताह बनाया नया रिकॉर्ड। Xiaomi का पहला नया ऊर्जा वाहन आधिकारिक तौर पर जारी। आइए अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की खास खबरों पर। इजरायली हवाई हमले में सीरिया के एलेप्पो में मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 42। गाजा पट्टी में अब तक 32,623 फिलिस्तीनियों की मौत। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी खबरें विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.khaskhabar.com पर लॉगिन करें और प्ले स्टोर से हमारे ऐप खास खबर को डाउनलोड करें। नमस्कार।